दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बने डंपिंग ग्राउंड में अगर जल्द ही कचरा डालना नहीं रोका गया तो उसकी ऊंचाई ताजमहल से भी ऊंची हो जाएगी। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में रोजाना 2 टन कचरा डाला जाता है, जिससे 2020 तक उसकी ऊंचाई ताजमहल से भी ऊंची होने का अनुमान जताया गया है। इस समय वहां कचरे का ढेर 65 मीटर यानी 213 फीट ऊंचा है, जिसका दायरा हर साल 10 मीटर बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि जल्द ही कचरे के ढेर पर लाल लाइट लगानी पड़ सकती है, जिससे उसके ऊपर से गुजरने वाले विमानों को सावधान किया जा सके। वहीं कचरे से निकलने वाली मीथेन गैस के हवा में घुलने से हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, जिसका असर वहां रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। जबकि 2018 में हुई बारिश के समय कचरे का एक हिस्सा ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां कचरा डालने पर रोक लगाई गई, लेकिन थोड़े दिनों बाद वहां दोबारा कचरा डालना शुरू किया गया। यूपी के नोएडा के एक रेस्टोरेंट में करोड़ों की ठगी के एक आरोपी की लोगों ने पुलिस वालों के साथ पार्टी कर आदमी को लोगों ने पुलिस वालों के साथ पार्टी करते घेर लिया। अभिनव मित्तल नाम के आरोपी को लखनऊ से दिल्ली कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन कोर्ट में पेश करने के बजाय कुछ पुलिस वाले नोएडा सेक्टर 121 के एक रेस्टोरेंट में अभिनव मित्तल के साथ पार्टी करते नजर आए। रेस्टोरेंट में अभिनव के साथ 5 लोग बैठे दिखे, जबकि 3 पुलिस वाले भी वहां नजर आए। वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ, क्या परेशानी? ठगी के शिकार लोगों को जब इसकी खबर मिली तो वो वीडियो बनाते हुए रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उन्हें देखकर सब लोग वहां से खिसकने लगे और अभिनव मित्तल भी तेज कदमों से रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, लेकिन बाहर आते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। कोर्ट नहीं है ये आपका ना? ये कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं, आप यहाँ पे रेस्टोरेंट बैठ रहे हैं, आप हमारे पैसों पेश कर रहे हैं ना। ठगी के शिकार लोगों ने एक आरोपी के इस तरह खुलेआम घूमने पर हैरानी जताई और अभिनव मित्तल को भी खरी खोटी सुनाई। कॉल करो 100 नंबर पे, मोदी सरकार है। 2017 में अभिनव मित्तल को सोशल साइट नेटवर्किंग के जरिए करीब 3,700 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, और आरोप है कि अभिनव मित्तल ने कुछ ही वक्त में कई लोगों को चूना लगाया था। जो लोग ठगी का शिकार हुए उन्हीं में कुछ लोगों ने अभिनव मित्तल को नोएडा के रेस्टोरेंट में पकड़ लिया और खुद को उन लोगों से छुड़वाने के लिए अभिनव ने चालाकी से हालात संभालने की कोशिश की। 2-3 लोग आराम से हम लोग बैठते थे, कहीं पर बैठते थे, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। कुछ देर बाद लोगों का गुस्सा उन पुलिस वालों पर भड़का जो अभिनव मित्तल को लेकर नोएडा पहुंचे थे। कैमरे में रिकॉर्डिंग होती देख एक पुलिस वाले ने अपनी नेम प्लेट छिपा ली तो दूसरा हाथ जोड़कर कैमरा बंद करने की गुहार लगाने लगा। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला तो हाथ जोड़ते हुए सफाई देने लगा। नाम बताओ साहब जी, हम लोग कोई गलती नहीं साहब, तुम कानून की रेड मारने वाले तुम लोग। कुछ देर बाद नोएडा पुलिस वहां पहुंची और चुपचाप अभिनव को वहां से ले जाने लगी। लोगों ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पल्ला झाड़ते हुए वहां से निकल गई। भैया 2 मिनट बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो, 2 या 10 मिनट बात करें, परेशान होने की जरूरत नहीं। 2017 में गिरफ्तारी के बाद अभिनव मित्तल ने सनी लियोनी और अमीषा पटेल के साथ अपनी फोटो से भी सुर्खियां बटोरी थी। बताया गया कि ये फोटो अभिनव के जन्मदिन की थी और अभिनव का कई बड़ी हस्तियों के साथ उठना बैठना था। ठगी के आरोपी का पुलिस वालों के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने लखनऊ पुलिस को चिट्ठी लिखकर लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की सिफारिश की। अब ये जांच का प्रकरण है, उसमें नोएडा पुलिस का कोई आरक्षी नहीं है, नोएडा पुलिस की इसमें कोई किसी तरीके की संलिप्तता नहीं है। जिन पुलिस कर्मियों की इसमें लापरवाही रही है उसके संबंध में मेरे द्वारा SSP लखनऊ को लेटर लिखा जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली विभाग के अधिकारियों को 15 अगस्त 2020 तक राज्य में बिजली की हर समस्या और काम को निपटाने का अल्टीमेटम दे दिया। पुदुचेरी के सीएम वी नारायण सामी ने आखिरी रोजे पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नगर निगम ने प्लास्टिक बैग के खिलाफ अभियान चलाकर सैकड़ों लोगों के चालान काटे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सिखों ने आपसी भाईचारे का पैगाम देते हुए गुरुद्वारे में मुस्लिमों को इफ्तार पार्टी दी। यूपी में कानपुर के चिड़ियाघर में पुलिस ने सादी वर्दी में ऑपरेशन चलाकर वहां पर मौजूद कई लड़के लड़कियों को पकड़कर उठक बैठक करवाई। मध्य प्रदेश के सतना में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यूपी के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से एक नवजात की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत बिगड़ गई। पेरू में कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन चलाकर प्रशांत महासागर के तट से करोड़ों रुपए कीमत की 5,300 किलो कोकीन ड्रग्स जब्त कर ली। अमेरिका की लॉस एंजलिस शहर में एक मॉल में घुसे हमलावर ने एक आदमी को गोली मार दी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया।
पाकिस्तान एक बार फिर विद्रोह की आग में झुलसने लगा है। इमरान खान के राज में वहां पश्तून आंदोलन अपने चरम पर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में लोग सड़कों पर उतर आए और पश्तून समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। यही नहीं, पश्तून समुदाय अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग तक करने लगा है। ये एक अखाड़ा बना हुआ है दहशतगर्दी का और इसका नुकसान जो हो रहा है बाकी ट्राइबल कबायली इलाकों को हो रहा है। दावा है कि पाकिस्तान सरकार वजीरिस्तान के लोगों को अपना नहीं समझती, इसलिए पीटीएम यानी पश्तून तहफ़ुज़ मूवमेंट के बैनर तले हजारों लोग इस्लामाबाद से लेकर कराची और पेशावर तक आजादी के नारे लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दाम बढ़ने पर विरोध जताते हुए पैदल मार्च निकाला। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, जिसके विरोध में टीएमसी कार्यकर्ता शहर की सड़कों पर उतरे और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। इस बीच टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार से महंगाई बढ़ने पर जवाब मांगा। वहीं जुलूस निकाल रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे और पोस्टर ले रखे थे, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की तस्वीर थी, जबकि पोस्टर में एनडीए के खिलाफ नारे लिखे थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी महंगाई पर लगाम नहीं लग पाई। हम लोगों ने देख रहा है जो चीज़ सब चीज़ का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके साथ टीएमसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जनता को धोखा देने का आरोप भी लगाया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने पर काम शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस योजना पर महिलाओं की राय जानने के लिए बसों में सफर भी किया। इस दौरान कई सवाल उनके लिए चुनौती जैसे साबित हुए, जो इस योजना को जमीन पर उतारने से जुड़े हैं। इन सवालों को समझने के लिए मनीष सिसोदिया महिलाओं के बीच पहुंचे थे। उन्होंने बस में सफर करने वाली महिलाओं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने पर उनकी राय जानी। मेट्रो में नहीं जाते? नहीं सर, मेट्रो नहीं सफर करते, क्योंकि बजट नहीं है सर। महंगा है सर। अगर मेट्रो फ्री हो जाए, बस फ्री हो जाए तो और थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है सर। मनीष सिसोदिया ने सरकार के इस फैसले के मकसद के बारे में भी महिलाओं को बताया। हालांकि एक सवाल उनका लगातार पीछा करता रहा कि आखिर महिलाएं मेट्रो में मुफ्त सफर कैसे करेंगी? डीएमआरसी को पैसे कहां से पे करेंगे? ये तो डीटीसी उनके अंडर में, डीएमआरसी तो नहीं है उनके अंडर में। सरकार के फैसले पर महिलाओं की अलग अलग राय देखने को मिली। इसकी अच्छी चीज क्या, अच्छी बात क्या है सर? ये अच्छी बात है, अगर कोई भी स्टूडेंट है या इवन कोई भी वर्किंग लेडी है, वो कहीं पर भी जाएगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मनीष सिसोदिया ने अलग अलग बसों में सफर करके महिलाओं की राय जानने की कोशिश की, जिसमें उन्हें महिलाओं के कई सवालों से गुजरना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त करने से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आएगी, और ये बात वो महिलाओं को समझाते हुए भी नजर आए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, और कोई भी प्राइवेट या उस तरह की कोई व्हीकल हो उसके मुकाबले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेंगी तो महिलाएं ज्यादा सुरक्षित रहेंगी दिल्ली में। मनीष सिसोदिया ने सरकार के फैसले से होने वाले फायदे भी गिनाए। विपक्ष इस फैसले पर जो सवाल उठा रहा है वो भी डिप्टी सीएम ने लोगों के बीच रखे। महिलाएं जो सिक्योर महसूस करती हैं और सिक्योर महसूस करेंगी मेट्रो में चल के, इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? महिलाओं ने सरकार के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन भविष्य में इससे होने वाली मुश्किल पर भी डिप्टी सीएम का ध्यान खींचा। चोर है और सर जो कुछ महिलाएं चोर होती है सर, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना पर हो रही राजनीति का भी विरोध किया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक टैंकर के पीछे दौड़ लगाते हुए कुछ लोगों ने उससे अपने बर्तनों में पानी भरा। भीषण गर्मी की वजह से वहां लोगों के सामने पानी की दिक्कत और बढ़ गई, जिसकी वजह से लोग टैंकर के पीछे दौड़ लगाते हुए पानी भरने को मजबूर दिखे। इस बीच कई छोटे बच्चे भी अपने हाथ में पानी भरने के लिए बर्तन लेकर दौड़े और टैंकर से पानी भरते नजर आए। वहीं जिस टैंकर से लोग पानी भर रहे थे उसका इस्तेमाल सड़क पर उड़ने वाली धूल पर छिड़काव के लिए था। इस बीच सड़क पर पानी गिरा रहा, टैंकर कई बार रुका भी, जिससे लोगों को पानी भरने में आसानी हुई। आपला जे ट्रॅक्टर पळून जाताना तवा हांडेला हांडे हांडे पानी घेता, भीती वाटत नाही का करता आता पानी नाही ना बाबा। वहीं लोगों ने बताया कि इस तरह से पानी भरने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। रात जगते हैं पानी के लिए, अगर यहाँ पर पानी नहीं मिलता तो उदयपुर जाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं पानी। साथ ही लोगों ने बताया कि कई बार इलाके के अधिकारियों से अपील करने के बाद भी पानी की समस्या दूर नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की एक नई सूची तैयार की है। जानकारी के मुताबिक इस सूची में कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों के नाम शामिल हैं, जिनमें बांदीपुरा के रहने वाले रियाज नायकू का नाम सबसे ऊपर है और उसे A++ कैटेगरी का आतंकी माना गया है।
जबकि इस लिस्ट में शोपियां में लश्कर ए तैयबा का आतंकी वसीम अहमद उर्फ उसामा दूसरे नंबर पर है। वहीं सूची में तीसरे नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अशरफ मौलवी का नाम है। सुरक्षा बल की बनाई इस लिस्ट में मिराजुद्दीन का नाम चौथे नंबर पर है और वो बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। इसके अलावा इस सूची में सैफुल्ला मीर उर्फ डॉक्टर सैफ, अरशदुल हक और पाकिस्तानी आतंकी हाफिज उमर समेत जाहिद शेख का नाम भी शामिल है। गूगल मैप ने अपनी तकनीक को विस्तार देते हुए तीन नए फीचर्स को शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन तीन नए फीचर्स को गूगल मैप में जोड़ा गया है उनका इस्तेमाल फिलहाल 10 बड़े शहरों के लोग कर पाएंगे, जिनमें पहला फीचर है रियल टाइम बस ट्रैवल इंफॉर्मेशन। इस फीचर में लोगों को पता चल जाएगा कि बस यात्रा के समय उन्हें कुल कितना समय लगेगा और रास्ते में कितना ट्रैफिक है। दूसरा फीचर है लाइव ट्रेन स्टेटस, जिसके जरिए ये पता चल पाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ है और अपने समय से कितनी लेट है। और तीसरा फीचर है नेविगेशन विद ऑटो रिक्शा, ये फीचर बताएगा कि आप ऑटो कहाँ से ले सकते हैं। इस फीचर को सिर्फ दिल्ली और बेंगलुरु के लोग ही इस्तेमाल कर पाएंगे। कोलकाता में टीएमसी ने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के दो दिन बाद ही रसोई गैस के दाम बढ़ गए थे, जिसके बाद टीएमसी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी की हुंकार के बाद कोलकाता की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता, समर्थक और नेता भारी संख्या में उतरे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अपने सिर पर प्लास्टिक के सिलेंडर रखे हुए थे। इन लोगों ने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमत के अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का भी विरोध किया। दिस इज देयर रियल फेस एंड दे हैव बीन एक्सपोज्ड टाइम एंड अगेन। वी हैव हिट द स्ट्रीट्स टुडे ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आवर सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी के इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने हाथ में टीएमसी के झंडे और गले में बैनर टांगकर रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों पर अपना गुस्सा जताया। हाँ, दाम बढ़ गया, हम लोग को तो तकलीफ हो गया ना, इसलिए गैस का इतना महंगा हो गया। लेकिन बीजेपी ने रसोई गैस की कीमत पर टीएमसी का सियासी दांव उल्टा पड़ने का दावा कर दिया। माता बोल रही, मेरे बेटा मुझे गैस नहीं दिया, मेरे पति ने नहीं दे पाया, मेरे एक बेटा प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे घर तक गैस पहुंचाया, जो कुछ नहीं दिया सिवाय हिंसा और अत्याचार, वो अगर जाएंगे तो उनको बराबर जवाब मिलेगा वहाँ। चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी रस्साकशी लगातार